मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान में सावन की तीसरी सोमवारी में भी कांवड़िया भक्तों के जलाभिषेक को लेकर काफी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि शनिवार रविवार से ही कांवड़िये महिला पुरुष युवा युवती के साथ ही कुछ नन्हे बच्चे भक्तों ने जयनगर कमला नदी से जल भरकर पूरे 34 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा कपिलेश्वर स्थान तक लाखों की संख्या में कांवड़ियों ने बोलबम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए झूम झूम कर नाचते डीजे पर रंग बिरंगे गाने बजाते हुए बाबा भोलेनाथ के दरबार कपिलेश्वर में जलाभिषेक करने के लिए आए थे। भीड़ को बढ़ता देख मंदिर का पट 1 बजे के बाद से जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया। पट खुलते ही कुछ देर तक भगदड़ सा माहौल मंदिर परिसर में उत्पन्न हो गया, जिस कारण कुछ कांवड़ियों को चोट भी आई, जिसमें 5 कांवड़िये गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रशासन व मेला कमेटी की तत्परता से सभी घायलों को बिना देर के इलाज के लिए रहिका स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बताया जा रहा है कि 2 जख्मी को दरभंगा इलाज के लिए ले जाया गया है।